गाइस मैं ना यहाँ पे अपने मम्मी के पास आई थी। यहाँ पे लहसुन लगाए हुए हमने वाले, और फिर मैं यहाँ पे इसको निंदाई बोलते हैं हमारे, इसकी ना घास है इसमें निकाल लूँ और फिर इसकी गुड़ाई हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें पानी रुका हुआ, फिर गुड़ाई कर लेंगे इसकी। और ऐसा सा घास हुआ हुआ इसमें, कौन सा घास होता होगा ये मेरे को कुछ पता नहीं है, पर ये कि घास हुआ हुआ इसमें सारे काम आते हैं। मेरे को ऐसा तो है नहीं खेती बाड़ी नहीं आती आती है, पर मेरे पास है नहीं खेत, तो यहाँ कर रही हूँ मैं। मेरे को बहुत शौक ऐसे काम करने का भी, ऑलराउंडर हूँ मैं। घर का काम भी करना, बाहर का भी, जो मर्जी काम करा लो। ये और आज बारिश का मौसम भी हुआ, धूप आई भी, अभी शादी भी लगी हुई। और मैं थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और राजीव का लगा हुआ पेपर, वो बैठा हुआ अंदर। कोई कोई घास ना ऊपर से निकल के आ रहा है इसमें, और कोई कोई जड़ से निकल के आ रहा है, और कोई कोई ये वाला घास निकाल रही हूँ मैं लहसुन में से। और घर में आके ना सुस्ती पड़ जाती है, और अपने जब हम शहर में रहते हैं जल्दी जल्दी उठना अपना सारा ए टू जेड टाइम टेबल बन जाता है जब हम रूम में रहते हैं ना, और जब हम गांव में आते हैं तो हमारे ना रूटीन ख़राब हो जाती है। नाश्ते का भी कोई टाइम नहीं रहता है, और अभी टाइम दिन के 11 बज चुके हैं। मैं सोच रही थी ना यहाँ पर थोड़ा सा घास निकाल लेती हूँ लहसुन का, और मम्मी के तो ऐसे भी स्किन प्रॉब्लम है तो उनके होता नहीं है, तो मैं निकाल लेती हूँ उसको। गाइज ये मेथी की तरह घास है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम इस घास का, ऐसे लगता है जैसे कि मेथी है। ये वाला ना देखना, मैं आपको बताती हूँ अभी, ऐसे वाला ये वाली क्यारी मैंने पूरी कर दी है। हमारे क्यारी ही बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे लहसुन की वाली मैंने पूरी कर दी है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्या लिया है चिज्जी लिया मम्मी खाने को, ये डाली हुई खाने वाली जो लाल मिर्ची होती है उसकी पौध डाली हुई हमने यहाँ पे ये वाली। और ये मैंने यहाँ से घास निकाल दिया, इधर को रहता है अभी थोड़ा सा ये वाला, और इधर भी निकाल दिया मैंने सारा। इसकी गुड़ाई करनी थी तो ये ना थोड़ा सा मतलब गिल्ला गिल्ला सा है तो गुड़ाई नहीं अब कर सकती, एक दो दिन ऐसे रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सूख जाएगा फिर करेंगे गुड़ाई। और इतना सी ये रहता है अभी, अभी मैं ऐसे से हाथ हो गए, और मैं अभी खाना खा लूँ क्योंकि सुबह खाया नहीं गया था। मम्मी ने पराठा बनाया था, पराठा नहीं खाती मैं। गाइज ये है यहाँ का व्यू, और ये नेचुरल व्यू है, और बादल हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। और आज तारीख 7 है, और आज शादी भी है, मुझे भी निमंत्रण आया हुआ काफ़ी भी शादियों का, और मैं अकेली हूँ। पेपर भी लगे हुए राजीव के, और यहाँ बकरियाँ भी है ऊपर, गाँव वालों की बकरियाँ है वो, ये यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं। और हमारे पास भी एक गाय है, वो वहाँ पे है ऊपर, और मेरी मम्मी ले आई है मेहंदी, इनको मेहंदी लगा देती हूँ मैं। और मेरे घर के पास पत्थर से डंगा लग गया, हमारे डंगा भी बोलते हैं इसको, दीवार लग गई मतलब घर से पिछली साइड, अभी और भी ये लगेगा आगे। मतलब आजकल का अजीब सा मौसम हुआ हुआ,
और यहाँ पे घास काटने को ये और बंदर 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 आहा आहा हा क्या लेके गया चिज्जी हैं? क्या चिज्जी लेके गया? और यहाँ पे है खट्टे जिसकी हम चाट बनाते हैं और फिर खाते हैं खट्टा मीठा। आजकल मैं घर आई भी कल ही आई थी मैं घर और मौसम अजीब सा हुआ हुआ, ना कोटी डाली जाती ना ये निकाली जाती ना कोटी डाली जाती, गर्मी भी है सर्दी भी है, ऐसे ये मौसम हुआ हुआ सामने चमकती रहती है ऐसी। पर क्या करें, मजबूरी है, डालनी तो पड़ती है, ठंड भी लगती है, अगर इसको निकाल दे फिर ठंड लगती है, कोटी डाली तो गर्मी लगती है। और हाँ जी साहब जी सोए हुए, वो वाला एक ये वाला एक दूसरे का मुंह देख रहे भी क्या कर रही है ऊपर से। और गाइस बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, मन नहीं करता ब्लॉग बनाने को, कुछ घर की पर्सनल टेंशन हो गई थी मायके में तो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और कल भी मेरे चाचा जी का लड़की की डेथ हुई भी तब आई थी मैं, और कल फिर मुझे उनके चाचा जी के घर में भी जाना है, उनके जो लड़का था ना वो उसकी डेथ हो गई। मेरे को ना अकेले में इतना रोई हूँ क्योंकि रोना भी मेरा सच्चा था, क्योंकि वो लड़का इतना अच्छा था ना, पूरे गांव में हमारे पास ऐसा से लड़का कोई भी नहीं था जैसा वो लड़का था, बहुत अच्छा था सबसे, इतने प्यार से बोलना, वो गाड़ी चलाता था ट्रक और ट्रक गिर गया, मतलब जैसे नई सड़क बन रही है तो मिट्टी नीचे धस गई, सड़क ही नीचे गिर गई और बहुत बड़ा हादसा हुआ। छोटे छोटे बच्चे, उनके वाइफ भी है माँ बाप भी है, पर क्या करे उनका घर में वही सब कुछ देख रेख, राशन पानी सब कुछ वही करता था, अब पता नहीं क्या क्या होगा, पूरे परिवार को वही देख रेख करता था। मेरे को बड़ा बार बार ना इतना रोना आता है ना, उसको बारे में सोचती पूरी रात भी, कल मुझे नींद नहीं आई उसके बारे में सोचती रही। भगवान ना कभी ऐसा हादसा कर देता है ना तो दुख भी होता है मुझे भी, भगवान ऐसा क्यों करता है किसी के साथ। और अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और ले दो बुर्स ले दो, मेहंदी लगा देती हूँ। मम्मी के यहाँ पे कोई भी नहीं लगाता, बस ऐसे ही होता, सब कोई नहीं होता किसी का नहीं, अब ये बुजुर्ग है इनकी सेवा भी करना पड़ती है, तो अब मैं तो दूर रहती हूँ पर जितना भी हो सकता है तो मैं करती रहती हूँ। जिंदे जी के मेले होते पल भर में क्या हो जाए कोई पता नहीं होता है, ये मीठी वाणी हमेशा रखे, कड़वे वाणी नहीं किसी के साथ बोलनी चाहिए, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो। बस अभी मैं ऐसे ही लेंटर पे ऐसे ही घूम रही थी, यहाँ पे मतलब फिक्की फिक्की सी धूप लगी हुई है। हाँ गाय देख रही है मुझे भी, पता नहीं क्या बात कर रही है, अकेली कोई है तो है नहीं इसके साथ, और गाय भी रखना ज़रूरी थी हमारे गाय को, मतलब सुबह उठ के जब गाय के लिए खाना देते हैं, रोटी देते हैं, रोटी मांसन देते हैं हम डेली गाय को, अब इसके लिए मैंने घास निकाला। और अभी यहाँ थोड़ा सा और रहता है, अभी खाना लंच करने चले गए थे हम, आज हमने कढ़ी चावल खाए और यहाँ पे अभी मैंने काम किया, मम्मी ने बनाए थे, मम्मी के हाथ का खाना बहुत स्वाद लगता है, यहाँ आके रजना खाना खाया अपने कमरे में, मैं कितना स्वाद बना लूँ, पर जो मज़ा अपने मम्मी के हाथ का खाने का होता है ना वो अलग बात होती है। चलो गाइस मैं अब मेहंदी लगा लेती हूँ अपने मम्मी के।